यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बड़ी खबर के साथ श्रावस्ती से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खबरें अभी तक की खबर का असर हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती से, जहां पर खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार का ये मामला है, जहां पर मलहीपुर पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि खबरें अभी तक ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था, और इसके बाद जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है मलहीपुर चौक से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अतुल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रावस्ती से, जहां पर खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। मलहीपुर पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और कन्नी बोझी चौराहे के पास इसको गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अतुल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, मुख्य रेप के आरोपी को पकड़ा जा चुका है, तो ये पुलिस की बड़ी सफलता है। जी, ये पुलिस की बड़ी सफलता भी है, क्योंकि नवागंतों को एसपी अशोक शुक्ला ने कार्यभार संभाला, उसके बाद से आरोपियों और पुलिस के बीच जो रिश्ता था वो लग रहा है अब समाप्त होता जा रहा है। जी जी अतुल, रेप के आरोपी को जो गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? अभी उसे जेल भेज दिया गया है, अब जो भी कार्रवाई होगी पुलिस मामले की अपडेट देती रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रावस्ती से, जहां पर खबरें अभी तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। और यहां पर 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार का मामला था, जहां पर मलहीपुर पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और कनी बोझ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है।